जय हिंद साथियों, स्वागत है माय चैनल मैक इन एटेक। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड स्टाफ सिलेक्शंस कमीशन के द्वारा जो लेटेस्ट अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में, जो मैट्रिक लेवल की है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी हम लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और आप लोग इसको जैसे ही एडवर्टीजमेंट्स पे जाने के बाद हम लोग को कुछ एक नोटिस जो है उसके बारे में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसका जो एडवर्टीजमेंट है उसके बारे में, देखते हैं कि इस एडवर्टीजमेंट में क्या दिया गया है। तो जैसे ही इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये जो हमारा नेक्स्ट ब्राउज़र खुल जाएगा, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर पे ही है एडवर्टीजमेंट ऑफ JMLCCE 2022। अब जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका PDF यानी कि नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग इसका डायरेक्ट नोटिफिकेशंस को, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया गया है और ये फॉर्म कब से अप्लाई होगी और लास्ट डेट कब तक रहेगी, ये सारा डिटेल हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं इसको आप। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि दिनांक 18/8/2022 को ये पब्लिक कर दिया गया था। और यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 यानी कि मैट्रिक लेवल का ये एग्ज़ाम है। अब इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या और इससे रिलेटेड दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ दिया गया, झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है हमारा 11/9/2022 से लेकर 10/10/2022 की मध्यरात्रि तक आमंत्रित किया है, यानी कि 11 सेप्टेम्बर से आपका ये फॉर्म आप स्टार्ट हो जाएगा और 10/10/2022 तक की रहेगी। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो इसका भी और डिटेल देख लेंगे हम लोग अभी कि कितना नंबर ऑफ पोस्ट है, बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट हम बता दे ही रहे हैं इसमें टोटल 455 सीट अभी आ चुकी है, जो कि इसका और जो डिटेल्स नोटिफिकेशन थे उस पर हम लोग देख पाएंगे। तो ये था दोस्तों झारखंड के द्वारा अपकमिंग न्यू वैकेंसी, जो कि आप लोगों का और जो कैंडिडेट बहुत ही दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं मैट्रिक लेवल की परीक्षा का, तो आ चुकी है या आ चुकी नहीं है, आने ही वाली है। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग इसको लॉगिन करके या आप अपना फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और फोटो अपलोड की डिटेल्स, भुगतान करने की जो तिथि दिया गया है 12/10/2022 तक, और प्रिंट आउट लेने के लिए 14/10/2022 की मध्यरात्रि तक आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। और इसके लिए आपको एक ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये सब वैलिड मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, फिर इसका जो नोटिफिकेशंस है, जो डिटेल्स है वो देखते हैं कि उसमें क्या सीट है और कितने नंबर की सीट है, वो सब सारा देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं JMLCC 2022 और इसका परीक्षा शुल्क की बात करेंगे तो 100 रुपये लगेगी। और अब सीट की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीट की बात करेंगे तो टोटल योग यहाँ पे पहला जो है दिया गया है कीटपालक एवं समक्ष उद्योग विभाग यानी कि 268 पोस्ट है। और आगे फिर देखेंगे कुशल शिल्पी एवं समक्ष पद उद्योग विभाग के लिए यहाँ पर दिया गया है 187 पोस्ट। अब फिर आगे देखेंगे हम लोग इससे रिलेटेड, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक या झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन सेरिकल्चर सिल्क वेइंग सिल्क ड्राइंग प्रिंटिंग उत्तीर्ण में 2 वर्षीय इंटर व्यावसायिक कोर्स सेरिकल्चर टेक्सटाइल उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपको मैट्रिक के साथ साथ एक टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन होती है रेशम तकनीकी विकास, ये यहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट यानी 1 साल की कोर्स होती है वो होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए आवेदन होंगे। अब फिर जो आगे का बात करेंगे, ये भी इसी तरह का ही है, मैट्रिक के बाद आपको 10वीं के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्त क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। यानी कि मैट्रिक के साथ साथ आपको जो टेक्निकल जो है शिल्प से और हस्तशिल्प क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस भी 2 साल का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे कुछ कुछ जो इससे रिलेटेड दिया गया है, प्रतियोगिता स्तर पर अगर कुछ स्थान है आपको तो उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, चाहे वो नेशनल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, तो आपको उसमें
कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा सीट से रिलेटेड। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे उम्र सीमा की बात की गई है, तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम 35 वर्ष रखी गई है, और जो एज ए गवर्नमेंट्स रूल्स उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशंस दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों नोटिफिकेशन जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे। और पे स्केल की बात करें तो इसका भी पे स्केल बहुत ही अच्छा खासा है, लेवल 1 का पे स्केल है, यानी कि 18,000 से 56,900 तक, यानी कि लगभग 57,000 पे स्केल रखा गया, तो पे स्केल बहुत ही बढ़िया है। अब इससे रिलेटेड और भी जो है इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग आगे जाके, और इसका जो कोर्स की बात करेंगे यानी कि सिलेबस की बात करेंगे, तो इसमें भी सिलेबस जिस तरह से JSSC का सिलेबस होती है उसी तरह की सिलेबस होती होगी, बट इसमें जो टेक्निकल है पेपर उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और ये यहाँ पे मेंशन किया गया है ये OMR बेस परीक्षा ली जाएगी, यानी कि आपको ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद फिर आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ही आपको अंक दिया जाएगा, उसके बाद आप मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो जिस तरह से पीछे की जितने भी JSSC एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी सेम टू सेम उसी तरह की है, बट यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज है कि रेशम्स, ये हस्तलिपि, ये सब से रिलेटेड जो सेकंड पेपर होंगे उसमें क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे देख ही पा रहे हैं पहला जो है यहाँ पे मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें कि पत्र संख्या 1 में हिंदी भाषा ज्ञान और दूसरा है अंग्रेजी भाषा ज्ञान। आगे फिर बात करेंगे पत्र 2 में, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग को जो है कोई भी एक भाषा सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि उड़िया, मंडारी, जो भी होता हमारा, इसमें सारा दिया गया, जिनको जो जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड भाषा मेंशन किया गया। फिर पत्र 3 में देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है सामान्य ज्ञान, झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। ये पत्र संख्या 3 से जो है सामान्य ज्ञान इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और आगे देखेंगे अब फिर आगे मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा से भी क्वेश्चंस रहेंगे इस तरह से। क्षेत्रीय भाषा का भी उसी का इंग्लिश मीडियम यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि सिलेबस जो है सेम टू सेम पीछे के जो वैकेंसी आई थी उसी तरह की वैकेंसी है, सॉरी क्या बोलते हैं सिलेबस है। अब पत्र संख्या 3 में देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे सामान्य ज्ञान मेंशन किया गया है, और आगे देखेंगे यहाँ पे सारा डिटेल जो पहले बात किए थे तो उसी से रिलेटेड है। उसके बाद आप लोग का अगर जो कैंडिडेट ये 2 पेपर यानी कि 3 पेपर में उत्तीर्ण होते हैं उनका फाइनल मेरिट लिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद उसका साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और फाइनली वो जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। और ST SC OBC जो भी रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है सेम टू सेम जो पीछे के जो नोटिफिकेशन आई थी JSSC के द्वारा सेम टू सेम वही रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा, ताकि और झारखंड से रिलेटेड या और भी कोई अन्य ITI से रिलेटेड या कोई भी टेक्निकल वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल सकेगी। धन्यवाद।